भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरी झारखंड की आईएएस अफसर पूजा सिंघल के मामले में बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने कहा कि पूजा सिंघल के खाते में करोड़ रुपए से अधिक नकद जमा किए गए हैं। उनके खातों में उनके वेतन के अलावा 1.43 करोड़ रुपए की भारी नकद जमा राज्य के विभिन्न जिलों के डीसी रहने के दौरान की गई है। इस दौरान उन्होंने अपने निजी खाते से सीए सुमन कुमार को 3 बार में कुल 17 लाख रुपए ट्रांसफर किए। एजेंसी जल्द ही इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए पूजा सिंघल को तलब कर सकती है। बताया गया है कि रांची प्लस हॉस्पिटल के पैसों के लेन देन की भी जाँच चल रही है। यह अस्पताल पूजा सिंघल के दूसरे पति अभिषेक झा का है। रविवार को अभिषेक झा से प्रवर्तन निदेशालय ने दिन भर पूछताछ की। ईडी ने अधिकारियों ने बताया कि पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई गोपनीय दस्तावेज जब्त किए गए, जिससे झारखंड में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल नेताओं और अफसरों के नाम दर्ज हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची की विशेष पीएमएलए अदालत को बताया कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने कथित तौर पर अपने व्यक्तिगत खाते से 16.57 लाख रुपए उनके सीए सुमन कुमार के खाते में ट्रांसफर किए हैं। बहरहाल विशेष अदालत ने ईडी के आग्रह पर उसे 11 मई तक रिमांड में भेज दिया है। सुमन कुमार को शनिवार को मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी द्वारा पूजा सिंघल, उसके पति अभिषेक झा और अन्य के खिलाफ 6 मई को देश भर के 25 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था। कुमार की हिरासत की मांग करते हुए एजेंसी ने अपने रिमांड नोट में कहा कि सीए उनके घर से जब्त की गई नकदी के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं दे रहा था और नकदी के वास्तविक मालिक का खुलासा नहीं कर रहा था। जी हाँ, आपको बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवासीय और कार्यालय परिसर से 17.79 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त किए गए हैं। तब पैसों की गिनती करते ईडी अफसरों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। जांच एजेंसी के अनुसार इन छापों के बाद कुल 19.31 करोड़ रुपए की नकदी जब्त हुई हैं। एजेंसी ने अदालत में जमा किए गए दस्तावेजों में आरोप लगाया है कि 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की अधिकारी पूजा सिंघल ने 2007-13 के दौरान 3 जिलों में डीसी रहने के दौरान अपने बैंक खातों में 1 करोड़ से अधिक नकद जमा किए। इस पैसे से जीवन बीमा पॉलिसियों की खरीद की गई। चतरा, खूंटी और पलामू के उपयुक्त जिला मजिस्ट्रेट रहने के दौरान पूजा सिंघल के खाते के विवरण से पता चला कि उनके पति अभिषेक झा के खाते में इस दौरान 1.43 करोड़ रुपए की भारी नकदी जमा की गई है। उन्होंने 16 फरवरी 2009 और 19 जुलाई 2010 के बीच खूंटी जिले की डीसी के रूप में कार्य किया। इस दौरान उनके खाते में जमा की गई नकदी राशि पूजा सिंघल के वेतन से अधिक थी। बता दें कि ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। इसमें जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को एजेंसी ने 17 जून 2020 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2008 से 21 मार्च 2011 तक खूंटी जिले में मनरेगा घोटाले में जूनियर इंजीनियर सिन्हा ने पूजा सिंघल को 5% कमीशन का भुगतान करने की बात स्वीकार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।